खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला में कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश में वन संरक्षण पर बल देते हुए वनों को रोजगार और आजीविका का साधन बनाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उस उद्देश्य से अनेक योजनाएं आरंभ की हैं, जिसके लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 651 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किशन कपूर धर्मशाला के समीप चोहला गांव में वन विभाग द्वारा आयोजित पौधारोपण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने स्वयं देवदार का पौधा लगाया। उनके साथ गाँव के लोगों और अधिकारियों ने भी देवदार और बान के पौधे लगाए। किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश में वन समृद्धि जन समृद्धि योजना शुरू की गई है। इसके जरिए लोगों को जड़ी बूटी इकट्ठा करने, प्रसंस्करण और विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा पौधारोपण एवं उनके संरक्षण में समुदाय की भागीदारी तय बनाने के लिए प्रदेश में सामुदायिक वन संवर्धन योजना आरंभ की जा रही है। इस योजना के तहत युवक व महिला मंडलों को पौधारोपण के लिए भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इसी प्रकार स्कूली बच्चों को वन संरक्षण के अभियान से जोड़ने के लिए विद्यार्थी वन मित्र योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत स्कूल को भी भूखंड आवंटित किए जाएंगे। आवंटित भूखंड में स्कूली बच्चे पौधे रोपण कर साल भर उनकी देखभाल भी करेंगे। किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश भर में करीबन 15 लाख पौधे लगाए गए हैं। अभियान में 17,000 लोगों ने भाग लिया। इस अभियान के तहत जिला कांगड़ा में 152 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 1,30,000 पौधे लगाए गए हैं। धर्मशाला वन वित्त में इस वर्ष 700 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 6.50 लाख पौधे लगाए गए हैं। किशन कपूर ने लोगों से वन संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में पौधारोपण अभियान के तहत देवदार बान के पौधे लगाए जाएंगे। इससे पर्यावरण का संरक्षण तो होगा ही, भूमि कटाव भी रुकेगा और क्षेत्र की सुंदरता में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने लोगों से लगाए गए पौधों के संरक्षण का ख्याल रखने का आग्रह किया। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हुए प्रदेश में पर्यावरण मित्र परिवहन सेवा को लागू कर दिया गया है। इस उद्देश्य से प्रदेश में 50 इलेक्ट्रिक टैक्सियां और 25 इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में शिमला शहर के ग्रिड से जुड़े पहले 35 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है। ये संयंत्र पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान के भवन की छत पर स्थापित किया गया है। मैनिकी क्षेत्र में वन संरक्षण के लिए सरकार ने 651 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है और इसमें लोगों को आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से वन समृद्धि जन समृद्धि नामक एक नई योजना लाई। वन्य क्षेत्र के बाह्य सहायता प्राप्त योजना के लिए 125 करोड़ का प्रावधान। महिला मंडल जो है, युवा मंडल जो है, उनको भी इसमें जोड़ा जाएगा और विद्यार्थियों को भी वन मित्र योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में 15 लाख पौधे लगाने का 3 दिनों में लक्ष्य रखा है।